व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आज हिंदी में ब्लॉगिंग करूंगी क्योंकि मेरी मैक्सिमम वो फ्रेंड्स जो मैं बंगाली में ब्लॉगिंग करती हूँ उनको समझ में नहीं आता, इसलिए मैं पहले से मैं शुरू ही करने वाली थी हिंदी में ब्लॉगिंग करना, बट बस मैं बंगाली हूँ इसीलिए मैं बंगाली में स्टार्ट किया। फिर हिंदी बंगाली मिक्स करके, क्योंकि मैं कभी कभी कुछ ब्लॉगिंग मैंने हिंदी बंगाली मिक्स करके, तो अभी मैं सोच रही हूँ मैं हिंदी में ब्लॉगिंग करूँगी क्योंकि बंगाली को तो हिंदी पता ही चलता है, मालूम पड़ जाता है, लेकिन जो बाहर के है वो बंगाली समझ में बहुत ही कम आते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं सोच रही हूँ आगे से मैं ब्लॉगिंग हिंदी में करूँगी क्योंकि उनको तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता। हम तो बंगाली जो बंगाली लोग समझ जाते हैं, लेकिन उन लोगों को समझना बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं, बोलते समझ में कुछ नहीं आता। तो आगे से हिंदी में बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो हिंदी सबको ही समझ में आ जाते हैं आजकल, तो हिंदी सभी जानते हैं। हाँ, मैं तो बंगाली मेरी लैंग्वेज को मैं रेस्पेक्ट करती हूँ, वो तो मैं बंगाली में करूँगी, बीच बीच में बंगाली हिंदी मिक्स करके बोलूँगी। तो सो मैं चाह रही हूँ मैं बंगाली में नेक्स्ट मेरी ब्लॉगिंग जो होगा वो बंगाली में मैं करूँगी, सॉरी बंगाली हिंदी में करूँगी। बंगाली तो सबको समझ में आ जाता है, तो मैं ट्राई करूँगी हिंदी में ब्लॉगिंग क्योंकि कुछ बाहर के लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको कुछ भी नहीं समझ में आता, सो उन लोगों के लिए हिंदी समझ पाते हैं वो। तो व्यूअर्स, इसलिए मैं हिंदी में ब्लॉगिंग करूँगी आगे से सोच के रखी थी, और बंगाली में मैं थोड़ी बहुत मैं बोलूँगी, मिक्स करके ही बोलूँगी, उनको भी समझ में आ जाए। और बंगाली, हम तो बंगाली लोग ऐसे हिंदी में बातें करते रहते हैं, हिंदी में सीरियल, टीवी सीरियल सब कुछ भी हिंदी में ही हम लोग देखते हैं, तो हम लोगों को तो समझ में आ जाएंगे, लेकिन उन लोगों को तकलीफ हो जाती है। फिर भी मेरे व्यूअर्स को मैं बोल रही थी तो बंगाली भी लैंग्वेज भी आप लोगों को जानना चाहिए क्योंकि मैं बंगाली हूँ, बोल रहे हाँ कोशिश करेंगे, फिर भी हम देखते हैं आपके बंगाली समझ में नहीं आता, फिर भी उन लोग कोशिश करते हैं देखने के लिए। तो व्यूअर्स, अभी तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट नहीं हुआ, बेटे को स्कूल को मैं छोड़ के आई हूँ, और घर में सुबह सुबह आज मैंने नहा लिया, सुबह का काम अभी बाकी रह गया, ब्रेकफास्ट बनाना, ब्रेकफास्ट नहीं है, बाजार गए मेरे हस्बैंड, घर में सब्जी बहुत कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत वो नहीं होगा, वो आने के बाद वो दोपहर का खाना बनाएंगे। और मैं अभी मेरे कुछ दिनों से मेरी मेड अभी रखी हूँ, बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है अकेला सब कुछ मैनेज कर, क्योंकि फ्लड थे, फ्लड की वजह से जिससे मेरी मेड वो बाहर गई थी, तो कल ही वो आई थी, तो वो आने के बाद, वो मेरी मेड आने के बाद मुझे बहुत ही हेल्प हुआ क्योंकि कुछ मैं कर लेती हूँ वो कुछ कर लेती है, नहीं तो बहुत ही तकलीफ़ होती है मुझे अकेला मैनेज करना। मैं क्लास भी जाती हूँ, बेटे को छोड़ने जाती हूँ, प्लस खुद का भी काम रहता है, आने के बाद सब कुछ घर का शाम के टाइम मैनेज नहीं होता, मैं टायर्ड भी हो जाती हूँ। तो मेरे मेड आने के बाद मुझे बहुत ही हेल्प हुई है, इसीलिए मैं उसकी शुक्र गुजार दुआई है, बहुत ही अच्छी है। तो अभी मैं सुबह का ब्रेकफास्ट अभी नहीं हुआ, अभी बन रहा है, और खाने के बाद घर का भी काम बाकी रह गया। अभी मैंने सिलेंडर लिया, वो सिलेंडर लीक हो रहा है, तो मैंने कहा सिलेंडर वो क्योंकि बोले चेंज करके लाओ, फिर बहुत ही रिक्स है, थोड़ा बहुत जो बूंद बूंद होते पानी डालने पर होता है ना, वो नहीं लेना चाहिए, वो बार बार बोल रहा है मैं टाइट करके दे दूँ, नहीं तुम चेंज करके ले आओ तो ठीक है, क्योंकि ऐसे मैं नहीं रखने वाली हूँ। तो अभी गया है, अभी वही सिलेंडर है वहाँ मैंने रखी थी, चेंज मैं करूँगी अभी, तो नीचे गया अभी। तो व्यूअर्स, मैं कंटिन्यू करूँगी आगे। ओके, আলু ভাজাটা খুব ভালো হয়েছে দেবে।
रेडी हो गई मैं कंप्यूटर क्लास में जाने के लिए, थोड़ा सा लेट हो गया अभी, 12:20 हो गए, 12:30 बजे मैं निकल जाऊँगी। बेटे स्कूल में है अभी, गया नहीं, 2 बजे 3 बजे वो स्कूल से आता है मम्मी, अब तक मैं आ जाऊँगी, 3 साढ़े 3 के अंदर ही आ जाऊँगी। फिर दोपहर का खाना होगा अभी बन रहा है, वो मैं मील वो बना रही है, मैं निकल जाऊँगी जब टाइम नहीं है, वो जब नहीं थी तब मैं आधा करके जाती हूँ, बाकी वहाँ से आने के बाद करती हूँ। अभी तो आने के बाद बहुत ही अच्छा ही हुआ है, तो अभी मैं निकल जाऊँगी, रेडी हो गई मैं। व्यूअर्स, मैं पहुंच गई हूँ मेरे कंप्यूटर क्लास में। व्यूअर्स, क्लास बढ़ जाती है, इसके सैटरडे और कल के तो संडे हो गए ना, और संडे तो ऑन डे ही और ट्यूजडे थे, तो बेड़ी पड़छे एकदम। गुड इवनिंग टू ऑल, शाम होगी और बेटे को जल्दी मैंने पढ़ाई की, उसने जल्दी जल्दी 5:30 बजे, तो अभी 7:30 बज रहे। चाय मैंने पी नहीं, सासू माँ को मैंने चाय दे दी, मुझे मॉर्निंग में चाय पसंद होती है, इतना ज़्यादा मैं चाय पीती नहीं हूँ, इसलिए अभी बेटा उसे अभी बुक्स भी टेबल में सब कुछ रखा हुआ है, टिफिन टाइम है तो मैंने उसे दे दी दूध, और दूध में क्या है, कॉर्नफ्लेक्स मुझे पसंद है, उसे चौकोस चौकोस तो उसे चौकोस बहुत पसंद है, मुझे कॉर्नफ्लेक्स, इसीलिए मुझे कॉर्नफ्लेक्स भी बोल रही हूँ, चौकोस। तो उस दिन विशाल में गया था तो वो खुद ही लाया, वो उसे चौकोस बहुत ही पसंद है, फिर चौकोस ले आया, तो ये रह गया, उस दिनों से मैं नहीं दे रही उसकी, थोड़ा सा पेट दर्द हो रहा है, तो मैं हॉर्लिक्स और चौकोस डाल के दी, तो मैंने कहा जो ठीक है बहुत दिन से नहीं खा रहा है, तो ले आया, मुँह में दूध लगा हुआ है, तो अभी इसका टिफिन टाइम है, तो अभी खा रहा है, पहले तो पढ़ाई कर ली, इसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करेगा वो, फिर इसके बाद पढ़ाई शुरू कर देगा, तो उसे ऐसे जल्दी जल्दी, कल संडे है, आज तो सैटरडे है,
तो कल उसका ड्राइंग क्लास भी नहीं है। अभी मैम का मैसेज आया तो नहीं होगा, ये तो बहुत ही खुश है। मुझे भी अच्छा लगा, 6 बजे तो उठती हूँ, फिर पूरा दिन दोपहर में तो सो भी नहीं पाती, ये तो सोता ही नहीं है, फिर मैं भी नहीं सो पाती हूँ। और रात 11 बजे पढ़ाई ख़त्म करके फिर सुबह सुबह जल्दी उसे सब कुछ रेडी करो, फिर उसे उठाओ। तो कल संडे है, मैं भी बहुत खुश हूँ, कल ड्राइंग क्लास नहीं है, ये तो मुझसे भी ज़्यादा खुश है। तो अभी शाम के टाइम और सासू माँ उस रूम में है, चाय दे दी मैंने, तो अभी फ़ोन पे बात ही कर रहे हैं, क्या करेंगे बैठे बैठे, एक जगह अच्छा भी नहीं रहा, वो सबसे बात ही करते रहते, वो ही ठीक है, अगर सबके साथ बात ही करेंगे तो ही मम्मी को अच्छा ही लगेगा। मैं भी लेटी थी अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने कहा तो ठीक है इसे अभी तो उसे ब्रेक दूंगी, तो उसे अभी वो खा रहा है, बहुत ही पसंद है उसको, बहुत दिनों से बात है इसलिए बहुत ही खुश है। तो व्यूअर्स, छोटी सी वीडियो है, इतना कुछ खास नहीं वीडियो में आज, और डेली एक्टिविटीज जैसे है, आज मेरा भी कल भी नहीं है, कल संडे है, मैं भी बहुत खुश हूँ, कल कंप्यूटर क्लास नहीं, मंडे मेरा रहता नहीं, मैं और ट्यूजडे जाऊँगी, तो मैं भी बहुत खुश हूँ, कल संडे है, देखती हूँ कहाँ संडे का कुछ प्लान बने, कल बाहर जाने का देखती हूँ, प्लानिंग तो कब बन जाता है पता ही नहीं चलता। तो फ्री हूँ सबसे बहुत है, फ्री नहीं, इसका भी ड्राइंग क्लास नहीं, मेरी तो कंप्यूटर क्लास संडे नहीं है, और इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। जल्दी जल्दी फिर उठना पढ़ना पड़ता है सुबह सुबह उसके ड्राइंग क्लास के लिए, उसके तैयार रहा बहुत, 9 बजे जाएगा और 12:30 बजे उसे लेने जाना पड़ता है ना, इसीलिए मैं कहा जो ठीक है कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। तो व्यूअर्स, कुछ खास कुछ ब्लॉगिंग में ऐसा कुछ नहीं, वो आप लोगों को कैसे लगा प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। आज मैं हिंदी में ब्लॉगिंग की, इसलिए मैं बंगाली में भी करूँगी, सबके लिए व्यूअर्स सबके लिए सोचना पड़ता है, और ऐसे कुछ खास आज वीडियो में नहीं है, आप लोग देखते रहिएगा, जो थोड़ा बहुत तो डेली एक्टिविटीज़ कुछ ऐसे ही होते हैं शेयर करती हूँ, और इसका भी दुख खत्म होने वाली इतनी भी बाहर नहीं थी। तो व्यूअर्स ओके, और कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ अभी, थोड़ा सर दर्द हो रहा है मेरा आज, तो अभी मैं थोड़ी सी रेस्ट करूँगी। आप लोग को मेरे वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना, सब्सक्राइब माय चैनल, और ये बीच में ये तो आएगा, इसीलिए मैं जितना भी कैमरा इतना हो रहा ये पीछे पीछे आ रहा है, ये साथ में रहता है मेरा बेटा, खुश रहता है वही अच्छा है, खुश रहना चाहिए सबको। तो व्यूअर्स, आप लोग भी बहुत 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 हैप्पी रहिएगा, खुश रहिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो पास में जो बेल आइकन का बटन प्रेस, और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, नेक्स्ट लगा आप लोगों को हिंदी में ब्लॉगिंग ये ज़रूर मुझे बताइएगा। व्यूअर्स, गुड नाइट, ओके, टाटा।